शादी परवरदिगार ने इंसान को खल किया है, खुद कहता है कि मैंने इसको पेयर्स खल किया हर चीज को। खूब मर्द और औरत की रिक्वायरमेंट है, उसकी फिजिकल नीड्स हैं, उसके लिए परवरदिगार ने हलाल रिश्ते बनाया है। शादी इज्तिवाज अक्त जो है वो हलाल रिश्ता है। उस हलाल रिश्ते के बाद सिर्फ कहानी सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती है कि मतलब आप सिर्फ एक नीड है आप उसको पूरा करें, नहीं, फिर आने वाली नस्ल की परवरिश है और ये परवरिश हलाल वतन ही में हो सकती है। ये याद रखिएगा, आप जब शादी कर रहे हैं आप सिर्फ ये मत सोचें, खासतौर पर उनकी जिनकी शादियां नहीं हो चुकी हैं, जिनकी हो गई हैं वो अब कोशिश करें कि ऐसा हो। देखिए शादी सिर्फ एक मकसद के लिए नहीं है, अगर आप जिंदा हैं आपका इमाम जिंदा है। इंसान अगर कोई मर्द लड़की ढूंढ रहा है, कोई फैमिली लड़की ढूंढ रही है, वो ये देखे कि वो ये सिर्फ एक खातून घर में नहीं ला रही, एक लेडी घर में नहीं लेकर आ रही, बल्कि आने वाली नस्ल की मां को घर पे ला रही है। और ये वो मां होगी जिसकी गोद में इमामे जमाना का सिपाही बड़ा होगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है अदब, और ये हमारे लिए भी है कि मसलन जिनकी आज औलाद है, जिनकी आज बेटियां हैं, अब खातून के चंद रिश्ते हैं, मां है, बीवी है, बहन है, बेटी है, यही रिश्ते हैं उसके। इन सब रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलोकेट हो रहा है। अब उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पे अभी ये नई शादी हो रही है और यकीनन और जवान और हमारी बहनें बेटियां भी बैठी हैं, अल्लाह ताला उन सब की जो है वो जल्द से जल्द जो है वो शादी फरमाए। अज़ाने मोहतरम, माशरा बहुत खराबी की तरफ है, ये याद रखिएगा। कोताही हम से हो रही है, हमें अपनी आने वाली नस्ल के लिए खुद सोचना पड़ेगा। अगर आज हम वक्त पर शादियां नहीं करेंगे तो सोसाइटी में फसाद और गुनाह होगा। इसमें जो है वो आप ये बोले कि मेरा क्या कसूर है, अगर जवान बेटी घर में बैठी है तो मुझे उसके लिए जितना जल्दी हो शादी का इंतजाम करना चाहिए। अब क्योंकि मेटलिस्टिक और मेटलिज्म इतना ज्यादा हो गया है कि शादी ऐसे से हो। अच्छा, हमारी बेटियां भी जो हैं वो आजकल क्योंकि मीडिया का दौर है तो वो उनके जहन में भी आने वाला दूल्हा कोई शहजादा हो, स्नो वाइट का शहजादा हो जो मिलेगा। जाहिर है जब डिज्नी की पैदावार है ना ये नस्ल, तो जो पैदा हो रही है बेसिकली डिज्नी की पैदावार है। अब जब डिज्नी की प्रिंसेस की बैग और पोस्टर आपके घरों में होंगे तो आपको प्रिंस भी वैसा ही चाहिए जो डिज्नी दे रहा है। अब वो तो ख्वाबो ख्यालों में भी नहीं मिलने वाला। तो अभी हमें हर चीज जो है वो ऐसी लगती। तो देखें, हम मुसलमान हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हमारे लिए अहले बैत की जिंदगी सीरत होनी चाहिए। हमारे घरों में जो शादियां होती हैं, शादियां हमारी अपनी मर्जी की होती हैं सारी, जो हमारा दिल चाहे उसमें हम कुछ भी करें। अच्छा, कोई बात कहें तो मौलाना साहब एक ही तो बेटी है, एक ही तो बेटा है, अभी ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे। अच्छा, कसीदा क्या पढ़वाना है, फरहान भाई को बुलाएंगे, किसी और नवा खान को बुलाएंगे, कसीदा पढ़े अली के साथ है फातिमा की शादी, कसीदा ये पढ़वाएंगे मगर अमल उनकी सीरत में नहीं करेंगे। खूब ये अलमिया है, ये अलमिया ये है कि हमने उसको तरबियत नहीं करनी है। आप उसको तरबियत करें। जब मौलाए कायनात की शादी का वक्त आया तो रसूल खुदा ने क्या हुक्म दिया, रिवायत रसूल खुदा ने कहा कि अली, रोगन यानी ऑयल और खजूर ये आपकी जिम्मेदारी है, गोश्त और रोटियां मेरी जिम्मेदारी है, आप ये अरेंज करें मैं ये अरेंज करता हूं। मौलाए मुत्तकियान रोगन ऑयल और खजूर लेकर आए ताकि उससे मिठाई यानी शीरनी बनाई जा सके, स्वीट बनाई जा। रसूल खुदा ने खुद अपने हाथों से जो है वो मिठाई बनाई, एक जो है गूसबन जिबा किया गया और रोटियां तहैया की गई और कहा अली जाओ मस्जिद में जाकर ऐलान करो कि लोग खाने पर दावत में तशरीफ लाएं। अब मौला मुत्तकियान जा रहे हैं कि दावत तो ऐलान करेंगे इतने सारे लोग और खाना तो थोड़ा सा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ऐलान किया, सारी मस्जिद आ गई कि माशाल्लाह आज भी मस्जिद भरी हुई है, ऐलान अमूमी था, सब लोग आ गए, आप लोग भी आ गए, वहां पे भी सब लोग आ गए। अब मौला मुत्तकियान के अंदर ये है कि ये सब तो आ गए तो रसूल खुदा दिल की बात मौला की पहचान गए और कहा कि अली नहीं घबराए नहीं, अल्लाह ताला इस खाने में
बरकत देगा। रिवायत है कि तकरीबन 4000 लोग आए और उसी खाने से खाकर गए, यानी ये बरकत। शादी के अंदर रुकात क्या थे, खाना खिलाया गया, सब खाए, सब चले गए। बाद में रसूल खुदा ने खाने का जर्फ दूल्हा दुल्हन के लिए भिजवाया और जो कुछ बाकी था वो कुछ रिश्तेदारों और अकारिब के लिए भिजवाया। अब इसमें पॉइंट क्या है, शादी के खर्चे में दूल्हा दुल्हन दोनों इन्वॉल्व है, किसी एक के ऊपर लोड नहीं है। रसूल खुदा अपने हाथ से काम कर रहे हैं, सादगी से शादी हो रही है, सादा खाना दिया गया है और खाने के बाद दूल्हा दुल्हन को भी और उनकी फैमिली को भी दिया गया है। अजीजाने मोहतरम, अभी इतना मौला मुत्तकियान को मानते हैं, बीबी सैयदा को मानते हैं, जिंदगी में ये कहां है ये लोग हमारी प्रैक्टिकल। अभी हमारी हिम्मत नहीं होती है सादगी से काम करने की, क्यों, सोसाइटी क्या सोचेगी। आज जिस सोसाइटी के आप इतने फिक्रमंद हैं, और मैं भी आपके साथ शामिल हूं, मैं कोई मार्स में तो नहीं रहता, मैं भी यहीं पे हूं, जिस सोसाइटी के हम इतने फिक्रमंद हैं, ये सोसाइटी कयामत में शफात करेगी? शफात कौन करेगा, बीबी सैयदा करेंगी? उनको राजी रखना है या सोसाइटी को राजी रखना है? लड़का जब तक स्टैब्लिश नहीं हो जाता, घर नहीं बन जाता, गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। अभी मुझे पिछले दिनों बड़ी हैरत हुई, मेरे एक दोस्त है, मैंने उनसे पूछा भाई शादी कहाँ, वो बात बात हो गई है, अच्छा होने में बड़ा खुश हुआ। फिर कुछ दिन बाद कहने लगे, मैंने कहा क्या हुआ, कहना नहीं भाई वो खत्म हो गया। मैंने कहा क्यों, अभी तो बात बन रही थी और आपकी तो, कहता है वो कुछ दिन हुआ खातून ने मुझे फोन मैसेज किए कि भाई हम रहेंगे यहाँ, हनीमून यहाँ मनाने जाएंगे, फलाना यहाँ करेंगे, फलाना यहाँ करेंगे। मैंने कहा मतलब ये कैसी बात है, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये है कि ये जो टीवी मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया है, और ये जो हम ड्रामे या जो भी है, बहरहाल मैं आपको नहीं बोलूंगा आप लोग देखते हैं, कोई और लोग देखते हैं, ये जो नेटफ्लिक्स की सीरीज देखती है पब्लिक बैठ के, ये सब देखते हैं, तो असल में जिंदा वहीं पर है हम लोग, ये हम लोग बस थोड़ी देर के लिए मजहबी बनते हैं, उसके बाद जिंदगी पूरी वही है, ब्रांडेड चल रही है हर चीज। यहां से तैयार होना है, वहां से तैयार होना है, मुझे यहां का नहीं पता, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में फलानी जगह से तैयार नहीं हुई तो मतलब कोई बात ही नहीं है खातून की। इतने लाखों रुपए खर्च करके वो मुंह पे जो भी लगाएंगे थोड़ी देर में वो, अच्छा रोना भी नहीं है खातून ने रुखसती वक्त, अब तो इतना मॉडर्न हो गया है, रोना नहीं है, क्यों, इतना महंगा मेकअप है खराब हो जाएगा। खुब ये क्यों है ये, जबकि इसी रिवायत में जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि जब रसूल खुदा बीबी सईदा के खिदमत में बीबी पहुंची हैं तो बीबी पे शर्म और हया की वजह से लर्जा तारी था, यानी बेटी के ऊपर शर्म और हया की वजह से लर्जा तारी था। रसूल खुदा ने फरमाया कि अल्लाह आपको कयामत की लग्जिश से बचाए बेटा, यानी ये, यानी हम मैं बता रहा हूं सीरत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये कैसे होगा मौलाना साहब, अभी आप तो कह के चले जाएंगे, हम क्या करें, आपकी बातें थोड़ी मीठी मीठी होती हैं, आप हमें मीठी मीठी बातें करके चले जाते हैं, हम क्या करें, हम ये करें कि हम अपनी घर के अंदर जब मेरी बेटी है ना तो मैं पहले दिन से उसकी तरबियत करूं, मैं पहले दिन से उसको रोल मॉडल हजरत सैयदा दूं, पहले दिन से उसको रोल मॉडल हजरत सकीना दूं, पहले दिन से उसे रोल मॉडल हजरत ज़ैनब दूं, हजरत मासूमा दूं।